खबर लालगंज से है, जहां भोजपुरी के फिल्म एक्टर अक्षरा सिंह जा सकती है जेल। दरअसल मामला है अप्रैल 2021 का, जब लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के भतीजे के उपनयन संस्कार में अक्षरा सिंह का रंगारंग कार्यक्रम कराया गया था, जिस दौरान गोलियां भी चलाई गई थी। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के बॉडीगार्ड के द्वारा भी गोली चलाया गया था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद लालगंज पुलिस के द्वारा लालगंज थाना कांड संख्या 149/2021 दर्ज किया गया था, जिसमें पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, पूर्व विधायिका अन्नू शुक्ला, सरकारी बॉडीगार्ड तथा भोजपुरी फिल्म एक्टर अक्षरा सिंह के साथ कई अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आर्म्स एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी अधिनियम तथा बिहार लाउड स्पीकर एक्ट लगाया गया था। इस मामले में अक्षरा सिंह के अलावा सभी लोगों के द्वारा न्यायालय से बेल करा लिया गया, लेकिन भोजपुरी फिल्म स्टार अक्षरा सिंह बेल नहीं कराई, जिसके बाद इस मामले की संज्ञान लेते हुए हाजीपुर न्यायालय के द्वारा भोजपुरी फिल्म स्टार अक्षरा सिंह के विरुद्ध इश्तिहार तामील करने के लिए इस केस के आईओ वर्तमान देसरी थाना प्रभारी सुनील कुमार को जिम्मेवारी दी गई। सुनील कुमार के द्वारा पटना पुलिस के सहयोग से अक्षरा सिंह के आवास पर इश्तिहार तामील किया गया। हालांकि इस दौरान अक्षरा सिंह के पटना आवास पर किसी भी व्यक्ति के मौजूद न रहने पर पुलिस के द्वारा उनके आवास के मुख्य द्वार पर इश्तिहार चिपका दिया गया, लेकिन इश्तिहार चिपकाने के बावजूद भी अब तक अक्षरा सिंह के द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया गया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अगर अक्षरा सिंह आत्मसमर्पण नहीं करती है तो उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट भी न्यायालय के द्वारा पारित किया जा सकता है।